राजा बाहुबली। सब कुछ त्याग कर लेने के बाद बाहुबली ने भगवान ऋषभदेव के साथ जुड़ने का निर्णय लिया। इससे वो मोक्ष पाने के लिए अनुशासन ला सकते थे। तभी ही उन्हें अपने 98 भाइयों की याद आई जिन्होंने उनके पिताजी के साथ जुड़ने का निर्णय लिया था। मोक्ष के मार्ग में उम्र से श्रेष्ठता नहीं बताई जाती। जो सबसे पहले सब कुछ त्याग कर दे वही श्रेष्ठ गिना जाता है। इसी बात को याद करके उन्हें समझ में आया कि अगर वो अपने भाई या अपने पिताजी के साथ जुड़ेंगे तो उन्हें सभी भाइयों के सामने झुकना पड़ेगा। मैं तो उनसे बड़ा हूँ, तो फिर मैं उनके सामने शीश कैसे झुका सकता हूँ? मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मैं खुद ही अनुशासन से तपस्या करके मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। बस इसी निर्णय के कारण उसके पहले फैसले में उसका अहंकार आड़े आ रहा था। इसीलिए उसने खुद से ही केवल ज्ञान प्राप्त करने का फैसला लिया और तपस्या करने के लिए जंगल की तरफ बढ़े। मोक्ष प्राप्त करने के लिए बाहुबली एक ही जगह पर एक ही तरह से खड़े रहे और कठोर तपस्या करने लगे। ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास और मच्छरों से होती हुई उत्तेजना के बावजूद उनका ध्यान भटका नहीं। बहुत साल बीत गए। पौधे बाहुबली के पैर के पास उगने लगे पर वो बिल्कुल भी नहीं डगमगाए। धीरे धीरे समय बीता। बाहुबली के मुख को छोड़कर पौधे उनके संपूर्ण शरीर पर फैल चुके थे। सांपों ने अपना बिल खोद लिया था पर बाहुबली बिल्कुल भी ना हिले। हजारों सालों की कठोर तपस्या के बाद भी बाहुबली को केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। दूसरी ओर भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्हें सब कुछ अपनी दिव्य दृष्टि से दिखाई दे रहा था। उन्होंने देखा कि बाहुबली अपने अहंकार और गौरव के कारण केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। भगवान ऋषभदेव बहुत ही मन भावनीय और दयालु थे। उन्होंने बाहुबली के हित में कुछ करने की ठानी। उन्होंने अपने शिष्य ब्राह्मी और सुंदरी को बुलाया, जो बाहुबली की बहनें थी, उनसे बाहुबली के लिए संदेशा भिजवाया। ब्राह्मी और सुंदरी जंगल पार करके बाहुबली के पास गए। उन्होंने बाहुबली को उसी मुद्रा में वहीं खड़ा होते हुए देखा। दोनों बहनों ने कहा, ऊंचे हाथी से नीचे उतरो, हाथी के पीठ पर केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। बाहुबली, जो गहरे ध्यान में थे, अपनी बहनों के शब्दों को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा, मेरी बहनें यहाँ क्या कर रही है? क्या मैं हाथी पर बैठा हूँ? मैं तो मेरी तपस्या एक संत की तरह कर रहा हूँ, एक ही मुद्रा में रहकर। पर मेरी बहनें ऐसे ही कुछ भी नहीं कह देंगी। जरूर कुछ ऐसी बात है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। गहरी सोच विचार करने के बाद कुछ क्षणों में उन्हें समझ में आया, उनकी बहन की बातें एकदम सच थी। वो एक अहंकार नाम के हाथी पर सवारी ले रहे थे। मेरे भाइयों के सामने ना झुकना वो भी मेरा अहंकार है ना? मैं अपने हिसाब से ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लूंगा, वो भी मेरा अहंकार है। मोक्ष अहंकार के दम पर नहीं पाया जा सकता। उन्हें अपनी भूल समझ में आई और उन्हें सच्चा पछतावा भी हुआ। उन्होंने तुरंत ही भगवान ऋषभदेव और अपने भाइयों के पास जाकर अपना शीश झुकाने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने अपना पैर उठाया, उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। बाहुबली और उनकी बहनें वापस भगवान ऋषभदेव के पास गई। भगवान ऋषभदेव और उनके पुत्र बाहुबली को मिलकर बहुत ही खुश हुए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना।